अगला पॉइंट है, मान लो आपके पास एक कैपलरी है, आपने एक लिक्विड के अंदर डाल दी और मान लो रिजल्ट आता है कि आपका लिक्विड 10 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक है, पता लग गया, 10 न्यूमेरिकल सॉल्व किया, 10 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा। तो आपने ट्यूब को डाला, जैसे आपने ट्यूब को डाला मैंने कैंची से ट्यूब को काट दिया और सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक रख दिया। अब बोलो क्या होगा, पानी ऊपर आएगा, जाना था 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ट्यूब खाली हो गई, पहला ऑप्शन वो फाउंटेन फुहारा ऐसे निकलेगा एक, दूसरा ऊपर आएगा साइडों से नीचे गिर जाएगा, दो ऊपर आएगा वहीं खड़ जाएगा, तीन क्या बोलते हो, या चौथा कुछ भी जो वहीं खड़ेगा नीचे नहीं गिरेगा, तुम्हें कैसे पता प्रेशर कैसे इक्वेट हो गया, उसने कौन सा फ्लैट हुआ, मैंने तो नहीं कहा वो फ्लैट हो गया, मेरे साथ तो ऐसा ही है, प्रेशर इक्वेट ही नहीं हुआ। ऐसे ऐसे थोड़ी ना होगा, ट्यूब कट गई तो उसको नीचे बी पॉइंट को थोड़ा लेना देना है कोई भी, जब ट्यूब ही कट गई तो उल्टा एच हाइट वो अटेन कर नहीं पाया, वहीं रहेगा, उसको पता लग गया 2 सेंटीमीटर ट्यूब छोटी है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा अब, बिल्कुल ठीक ऐसा ही होगा। बेसिकली वो मेनिस्कस के वो ऊपर जाके ऊपर जाएगा और उसको पता है कि इंसफिशियंट लेंथ है, अपने रेडियस मेनिस्कस को चेंज कर लेगा और प्रेशर एडजस्ट कर लेगा, आर चेंज करने से पी एडजस्टमेंट है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, नीचे बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो देखो क्या होगा, सपोज इनसफिशियंट लेंथ है तो होगा क्या, मान लो आपके पास जब सफिशियंट लेंथ थी, पूरी लेंथ थी, तो आपका मेनिस्कस कहाँ पर था, एट अ हाइट ऑफ एच था, तो आपका डायग्राम कैसा बनता था, ये डायग्राम आपका ऐसा बनता था, बनाया मैंने ये थीटा स्मॉल आर कैपिटल आर और हाइट क्या एच, पर आपने ट्यूब को काट दिया, ये रही इनसफिशियंट हाइट होगी एच डैश, नीचे नहीं गिरा, तो इससे मेनिस्कस चेंज कर दिया, मेनिस्कस का रेडियस यहां पर कैपिटल आर था, नया मेनिस्कस का रेडियस ने क्या कर लिया, आर डैश कर दिया। क्वेश्चन है आर डैश निकालो क्या हुआ, ये एच बताओ एच डैश क्या हुआ, वहीं रुकेगा, ये चेंज कर लेगा, मेनिस्कस चेंज करेगा, प्रेशर एडजस्ट करता है मेनिस्कस चेंज करके, हाँ ऐसा ही, क्योंकि एच का फॉर्मूला हमने यहाँ डराइव किया था, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, एच और आर एक तरफ टू कॉन्स्टेंट है, आप जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लिक्विड तो चेंज करेंगे नहीं, फॉर गिवन लिक्विड टी इज अ कॉन्स्टेंट, रो इज अ कॉन्स्टेंट, जी इज अ कॉन्स्टेंट, एच इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो ऑब्वियसली जब हाइट डिक्रीज करेंगे ट्यूब की तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ेगा, और जब मैं बोलता हूँ रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ेगा तो मेनिस्कस फ्लैट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि डेप्थ होना मतलब नीचे को घूमना, रेडियस छोटा होना बताया था, और फ्लैट होना मतलब रेडियस का बड़ा होना, थोड़ा फ्लैट की तरफ चला जाएगा ताकि उसका वो ऊपर ना और जा सके, प्रेशर एडजस्ट हो जाए। तो यानी कि एच इन टू आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो पहले हाइट एच थी, रेडियस आर था, अब हाइट एच डैश है और आर डैश है, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, हाइट देगा पहले की, मेनिस्कस देगा नई हाइट, देगा पूछेगा नया मेनिस्कस का रेडियस क्या है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, एच इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट।